तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। चलती फिरती आंखों में अजा देखिए कि चलती फिरती आंखों में अजा देखिए। यार, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर हाँ, मैंने माँ देखी है। जी हाँ दोस्तों, देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम अंश पंडित जैसी सारी वीडियो रिकॉर्ड करना सीखने वाले हैं, और भी दोस्तों फुल एडिटिंग के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने फुल वॉच कर लिया तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी वीडियो रिकॉर्ड करने से लेकर एडिटिंग करने तक पूरी ट्यूटोरियल आपको आज की इस वीडियो में आ जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस वीडियो को मैंने एडिट किया है, सबसे पहले आप वो भी वीडियो देख लीजिए। चलती फिरती आंखों में अजा देखी कि चलती फिरती आंखों में अजा देखी। यार, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर हाँ, मैंने माँ देखी है। तेरी उंगली पकड़ के चला। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को मेरी खुद की आवाज में मैंने रिकॉर्ड किया, और दोस्तों उसको किस तरह से एडिटिंग किया हूँ आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से एडिट किया जाता है। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली करना क्या है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है ECHO करके दोस्तों एक एप्लीकेशन है, उसको दोस्तों लोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो जिस भी वॉइस को आपको रिकॉर्ड करना है वो दोस्तों इसी एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी वॉइस जो होती है वो दोस्तों काफ़ी क्लियर आएगी और दोस्तों ऑटोमेटिक थोड़ा मोड़ा इको लग कर आएगा। तो दोस्तों, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड बटन दिखेगा तो सिंपली दोस्तों सेकंड वन पे टिक लगा देना है। उसके दोस्तों इको इफेक्ट दिखेगा तो इसको दोस्तों ऑफ रहेगा तो ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों इको वॉल्यूम पूछेगा तो दोस्तों आपको जितना भी रखना है मतलब रख सकते हो, लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर आप ज़्यादा इको बढ़ा दोगे तो वॉइस ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों 10% रखो। उसके बाद दोस्तों इको डेली, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आप जिस भी वॉइस को बोलोगे वो इतने सेकंड डबलिंग होगा। तो दोस्तों मैंने 0.1 सेकंड रखा है, आप भी दोस्तों इसी तरह का सेटिंग कर लेना। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो दोस्तों काफ़ी परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों हमारा जो वॉइस होता है वो तो दोस्तों उस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों कान मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, मैंने जिस भी वॉइस को एडिट किया है वो दोस्तों सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से अपने वॉइस को मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, यहाँ से दोस्तों लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है। उसके बाद दोस्तों एक इमेज ले लेना है, यानी कि दोस्तों एक बैकग्राउंड ले लेना है ब्लैक कलर का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा दिया। उसके बाद दोस्तों जितना भी बड़ा आपका वीडियो रहेगा उतना बड़ा आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करना है, फिर से मीडिया में जाना है। उसके बाद दोस्तों एक लेयर मैंने जो डाउनलोड करके रखा है उसी को दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसा अगर इफेक्ट आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों अगर यूट्यूब पे डालोगे लेयर बैकग्राउंड इफेक्ट तो आपको बहुत सारे लाइटिंग वाले इफेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कि लाइटिंग वाला एक इफेक्ट मिल चुका है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, सिंपली दोस्तों इसका साउंड जो होता है वो मैं स्लो कर देता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं कैसा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मतलब लग चुका है इफेक्ट। उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, जिस भी वीडियो को लेना है वो दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड करना तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन पर ही करना, ताकि दोस्तों इसका बैकग्राउंड चेंज किया जा सके। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे जाना है, क्रोमा के का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से दोस्तों इसको अनेबल कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि जो भी मतलब बैकग्राउंड था वो दोस्तों हट गया है। और दोस्तों आगे पीछे करके आप अपने वॉइस आप अपने वीडियो के हिसाब से इसे रख सकते हो। तो दोस्तों सिंपली मैंने रख लिया जितना मुझे रखना है।
आप दोस्तों अपने हिसाब से रख सकते हो जितना भी आपको जमता है। तो दोस्तों यहाँ से रखने के बाद इसको आप चला के देखते हैं। चलती फिरती आंखों में अजा देखी है कि चलती फिरती आंखों में अजा देखी है, यार मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर हाँ मैंने माँ देखी है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो आगे चल रहा है और दोस्तों जो भी वॉइस है वो दोस्तों पीछे चल रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब भी रिकॉर्ड किया था तब दोस्तों ना ही मेरे पास शायरी था और ना ही वो मतलब वीडियो था। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों सिंपली मैं यहां से कट कर लेता हूं थोड़ा मोड़ा ताकि आपको अच्छा दिखे। तो दोस्तों यहां से मैं कट कर लिया और इसको पढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कट करने नहीं आता तो सिंपली वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कैंची का निशान आएगा, उसके दोस्तों जिस भी पार्ट को कट करना है यहाँ से आप क्लिक करके कट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को थोड़ा मोड़ा और कट करना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मतलब वो नहीं था, वीडियो नहीं था मेरा, तो दोस्तों मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। दोस्तों कट करने के बाद इसको सिंपली यहाँ से घसका दोगे तो दोस्तों ये पार्ट दोनों मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरह का वीडियो बन चुका है। अब दोस्तों क्या होता है, मैंने आज के इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड भी चेंज करके बता दिया और दोस्तों वॉइस को किससे रिकॉर्ड करना है, सारी वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इसके ऊपर भी अगर लेयर लगाना है तो सिंपली लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, उसके दोस्तों यहाँ से मैं एक लेयर ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ये वाले लेयर को मैंने ले लिया। अब दोस्तों इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है वीडियो के साइज के बराबर, उसके दोस्तों इसको ऐसे, उसके दोस्तों क्या करना है सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रोमा के का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उस पर क्लिक करके ये दोस्तों ऑफ रहेगा तो इसको अनेबल कर देना है, उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा कट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई। अब दोस्तों इसको इसका बैकग्राउंड का वॉइस थोड़ा धीमी कर देते हैं। अब दोस्तों देख सकते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने वीडियो को दिखाया था सेम मैंने वैसा बनाकर दिखा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और दोस्तों सारी वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करना है और किस तरह से एडिटिंग करना है और दोस्तों किस तरह से अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।